तो यहाँ पर 7200 रुपये की पेमेंट हो चुकी है और हमारी जो गेम है वो हमने बाय कर ली है स्टीम में UPI के थ्रू, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप अपने किसी भी जो फेवरेट गेम है उसको बाय कर सकते हो, चाहे वो हो GTA 5 या हो आने वाली ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो, जो कि मेरी फेवरेट गेम भी होने वाली है, ये आएगी 11 अक्टूबर को। तो हमने प्री ऑर्डर कर दिया है इसको, यानी पहले ही परचेज कर ली है, 7199 रुपये पे कर दिया, यानी ऑलमोस्ट 7200 रुपये। तो अगर आप भी भाई स्टीम से कोई भी अपनी फेवरेट गेम परचेज करना चाहते हो, डायरेक्ट आपके बैंक के थ्रू पेमेंट हो जाएगी, आपको कोई भी अमेजोन के जो स्टीम के गिफ्ट पासेस होते हैं, गिफ्ट कूपन्स होते हैं, वो सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपना मोबाइल ओपन करना है, उसमें प्ले स्टोर पर जाना है और आपको जो स्टीम इनका एप्लीकेशन है मोबाइल वाला उसको ओपन कर लेना, चाहे एंड्रॉयड हो या iOS, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको ओपन करना है। ये जो है पेमेंट आपकी मोबाइल के थ्रू होगी, क्योंकि जो भी आपके UPI ऐप्स हैं वो आपके मोबाइल में होते हैं, चाहे वो हो गूगल पे, चाहे वो हो फोन पे या कोई और UPI ऐप। तो उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको साइन इन करना है स्टीम का अकाउंट नेम, योर आपका पासवर्ड जो है वो यहाँ पर डाल देना है। जो अकाउंट नेम है वो देखने के लिए आपकी जो यहाँ पर स्टीम का अकाउंट होता है वहाँ पर ईमेल आईडी होती है, उस सेक्शन में अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम है वो लिखा होता है। तो ये वाला जो यूज़र नेम है वो आपने स्टीम अकाउंट नेम में डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने ईमेल आईडी नहीं डालनी है, यहाँ पर आपने आपका जो स्टीम का अकाउंट नेम है वो डालना है, और आपने पासवर्ड डाल देना। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आपने आई नीड हेल्प साइनिंग इन पर क्लिक करना है, वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड वगैरह करके आपने अपना साइन जो भी है पासवर्ड रिसेट कर देना है। वहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर जो भी आपका OTP आएगा वो आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अपने स्टीम के अकाउंट में आपने लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा वाइल यूजिंग द ऐप, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। सब कुछ करने के बाद आपने डन पर क्लिक कर देना है और बैक पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप जो अपनी जो भी गेम परचेज करना चाहते हो, वो कोई भी गेम हो सकती है, जो भी आपको फेवरेट हो, तो यहाँ पर जो मैं परचेज करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो, जिसका जो प्राइस है वो 4000 रुपये है, यानी कि 3999। बट मैंने एक्स्ट्रा पे क्यों की है, मैंने एक्स्ट्रा पे इसलिए किया क्योंकि मैंने इसका जो अल्टीमेट एडिशन है वो परचेज़ किया है। वो सारे एडिशन कैसे कैसे होते हैं वो आप गेम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वो आपके पास सारा कुछ आ जाता है, जो भी DLCs वगैरह होती हैं, जितने भी एडिशन्स होते हैं वो आते हैं। तो बेसिक एडिशन इसका 3999 का है, डीलक्स एडिशन इसका 6399 का है, अल्टीमेट एडिशन 7199 का। तो ऐड टू कार्ट के बटन जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपके ये कार्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने व्यू माई कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, जो आपका कार्ड होता है, यानी कि जिसमें आपकी गेम है जो आप इसको परचेज करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे। ये जो गेम आएगी 11 अक्टूबर 2024 को आएगी, अभी हम इसको प्री ऑर्डर कर दे रहे हैं पहले से ही। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर फॉर माई अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक रखना है और उसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपने जो पेमेंट मेथड है वो सेलेक्ट करना है, वहाँ पर जो पेमेंट मेथड है वो सेलेक्ट करना है प्रीपेड वॉलेट डोमेस्टिक, तभी आप सब कुछ कर पाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी सबसे मेन स्टेप है। और बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह आप नीचे भर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं सारी भरने के बाद आपने बिल्कुल नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ पर सेव माई पेमेंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और एक बार चेक कर लेना है कि जो आप गेम परचेज करना चाहते हो वो आ चुका है। यहाँ पर कुछ अर्न स्टीम पॉइंट्स के भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके बाद आपने सब कुछ भरने के बाद बिल्कुल नीचे आ जाना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है। अब आप एक न्यू विंडो में ओपन हो जाओगे और यहाँ पर फिर आपको सारी की सारी जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो दोबारा से भर देनी है। नेम, ईमेल एड्रेस आपका ऑटोमेटिक भर के आ जाएगा, जो आपका पिन कोड आपने पहले भर देना है, यानी कि सीरियल वाइज ही सब कुछ भरना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है MobiQuick, ये सबसे मेन ऑप्शन है। यहाँ पर MobiQuick को सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर से सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक नई जगह पर ले जाता है, नई विंडो में। तो ये आपके क्रोम ब्राउज़र या जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वहाँ पर खुल जाएगी और एक OTP आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जाएगा। अभी जो मोबाइल नंबर पर OTP है, जो भी आपने वहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपने दिया था अपना, तो वहाँ पर ये OTP आपने यहाँ पर भर देना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो UPI, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जो भी आपके एप्लीकेशन होंगे फ़ोनपे या गूगल पे वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। वहाँ पर ओपन होने के बाद अब आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट से अपनी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड, जो भी UPI आपका पासवर्ड होता है वो भर देना है, UPI जो है आपका पिन वो भर देना है। उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। यह जो पेमेंट है ये MobiQuick के वॉलेट में से होती है। तो यहाँ पर आपका हो सकता है कि जो बैंक अकाउंट है वो कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये जो पेमेंट है वो आपने ही की है।
तो आपने वहाँ पर बताना है कि भाई ये पेमेंट मैंने ही की है। उसके बाद आपने कुछ भी और ऑप्शन नहीं दबाना, कोई भी बैक बटन नहीं दबाना। देखो मेरे को मैसेज भी आ चुके हैं, जो भी मेरी पेमेंट अमाउंट है वो सब कट चुकी है। उसके बाद आपने जाना है अपने जीमेल पर और यहाँ पर जाकर परचेज चेक कर लेनी है। तो ये रही भाई जो मेरी परचेज है वो हो चुकी है और इन सब चीज़ों में टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पर देखो थैंक यू फॉर योर रिसेंट ट्रांजैक्शन ऑन स्टीम। तो यहाँ पर आपका सारा का सारा जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी गेम है वो यहाँ पर आ जाएगी, कितने रुपए की परचेज हुई है, बाकी सारी की सारी डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पर आ जाती हैं। बट इन सब चीज़ों में भाई काफ़ी समय लगता है, मतलब कि 5 से 10 मिनट का टाइम भी कई बार लग जाता है। तो ये मत सोचिएगा आप कि भाई सब कुछ बिल्कुल इंस्टेंट हो जाएगा जितना मैंने वीडियो में दिखाया है। वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए थोड़ी शॉर्ट में बना दी है ताकि आप इजीली देख सको। वहाँ पर कुछ टाइम लगता है, आपने कोई भी बैक बटन नहीं दबाना है, ये सारे जो भी प्रोसेस हैं ये ऑटोमेटिक होते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप होते रहेंगे। आपने कहीं पर भी बैक बटन नहीं दबाना, बस जस्ट आपने जो लास्ट स्टेप है जो कि मैंने दिखाया आपको कि वहाँ से उसको सीधा मिनिमाइज़ करना है, काटना नहीं है और जाके अपनी ईमेल आईडी चेक कर लेनी है। जब आपको ये मैसेज आ जाता है कि हाँ भाई हो चुका है सब कुछ तो सही है, अदरवाइज नहीं होता तो वहाँ पर जो कि मैंने आपको बताया जहाँ पर लिखा हुआ था योर ट्रांजेक्शन इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट क्लिक हीयर इफ़ नथिंग हैपन्स, तो एक दो बार यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और उसके बाद आप फिर से दोबारा जाकर अपने ईमेल को चेक कर सकते हो। अगर आपको फिर जो परचेज कन्फर्मेशन का ईमेल है वो आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा सा आप फिर से वेट कर सकते हो और उसके बाद आपके जो गेम है वो परचेज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।